सबसे पहले तो आपको ढेर कांग्रेचुलेशन, थैंक यू वेरी मच। बॉलीवुड की दुनिया में कमबैक कर रहे हैं, हम कह सकते हैं आपका। सडनली ये कैसे दिमाग में आया कि क्रिकेट के बाद आप जो है एक्टिंग कर रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं, दिमाग में हमेशा आज मैं बिलीव करता था स्कूल से लेके, मोस्ट ऑफ देम नो दैट आई डांस अ बिट, तो मेरे ही कोशिश होगा कि जो भी यू नो डायरेक्टर चाहते हैं मैं उसका यू नो जस्ट आई विल ट्राई एंड डू जस्टिस टू दैट रोल। इट्स अ कॉमेडी, इट्स कम्प्लीट डिफरेंट टू माइन माई द वे ऑफ वे आई एम, तो मैं कोशिश करूंगा कि बहुत श्रीशांत बैक इन हिज ओरिजिनल मूड इन अ डिफरेंट वे। सो आई मीन म्यूजिक भी बहुत अच्छा है, सिद्धार्थ ने म्यूजिक किया और यू नो डायरेक्टर, सो अमेजिंग प्रोड्यूसर, आई से मोर लाइक ए फैमिली। तो मैं पहले डाउट में था कि करना है, मगर जब मैंने म्यूजिक सुना इनके और स्टोरी नरेशन, आई थिंक इट वॉज अमेजिंग, तो मैं ही बोलूँगा, सारे बोलते हैं देखना चाहिए, बहुत बड़ा हिट होगा वगैरह वगैरह, मैं तो ये बोलूँगा कि आप आइए देखिए, गिव योर एक्सप्रेशन एंड हम लोग यही इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि एक्सपीरियंस के लिए, और एक्सपीरियंस सिर्फ आगे बढ़ने के लिए। तो जैसा कि आपने कहा कि बचपन से शौक था आपको, तो क्या वो ये वही रीज़न था कि हम क्रिकेट के टाइम पे भी हम आपको कभी कभी डांस किया करते हुए देखते थे या कुछ? डांस तो मैं 10th स्टैंडर्ड में छोड़ दिया था ऑनेस्टली, इंडिया खेलने के बाद जो भी करते हैं अच्छा ही होता है, तो जब इंडिया खेलने के बाद मैंने नॉर्मल स्टेप किया, मेरे से हज़ार गुना बेहतर डांसर्स और सारे है, मगर भगवान के शुक्र है क्रिकेट मनपसंद स्पोर्ट है इंडिया का या फिर दुनिया का, तो अगर कोई क्रिकेटर डांस करे तो उसमें अलग ही मज़ा है। तो मैं यही बोलूँगा कि बचपन से शौक था, अब मगर कभी सोचा नहीं था कि मैं मूवी करूँगा, क्योंकि मेरी फैमिली में पूरे आर्ट्स है, क्योंकि मेरे फादर इज़ एन एक्टर, माई सिस्टर इज़ एन एक्ट्रेस, माई ब्रदर इज़ एन एक्टर, माई ब्रदर इज़ अ प्लेबैक सिंगर इन साउथ, ही इज़ गोइंग टू सिंग फर्स्ट टाइम, अभी पहली बार बॉलीवुड में यही मूवी में गाना गा रहे हैं। तो मेरे लिए यही था कि जो फील्ड में हमारे फैमिली उधर नहीं आना है, कुछ और अलग करना है, तो इसीलिए मैंने स्पोर्ट्स चूज किया था, मगर आखिर वही फील्ड में आ गया देखते हुए आगे क्या होता है, जहां चाह वहां रहा। तो वो कौन थी के बारे में जानना चाहूं, कौन है वो और क्या करने वाले हैं आप, किसके साथ? वो कौन थी, एक कंप्लीट कॉमेडी सस्पेंस है, मगर कोई हॉरर वगैरह नहीं है, नाम से सुनते हैं कि वो कौन थी, मगर ऐसा नहीं है। मैं यही बोलूंगा कि लास्ट 10 मिनट्स इज व्हाट यू शुडंट मिस, सो I think that कुछ रोमांस भी होगा, वन सेकंड, रोमांस भी होगा, हॉरर, इट्स अ रोमांटिक कॉमेडी कॉमेडी सस्पेंस फिल्म विद अ फ्लेवर ऑफ लव एंड द म्यूजिक इज अमेजिंग, क्लास एंड मास दोनों को कवर करने वाला म्यूजिक बना है हमारे म्यूजिक डायरेक्टर सिद्धार्थ ने। म्यूजिक ऐसा है कि जो क्लास का है वो मास को पसंद आएगा और मास का है वो क्लास को पसंद आएगा, मतलब ऑल एंड ऑल कंप्लीट पैकेज म्यूजिक, एंड फिल्म विल बी ए कंप्लीट एंटरटेनमेंट, फुल फन फिल्म, एंड यू विल सी द श्रीशांत प्रॉपर एक्सपीरियंस यार। यस, ओके, श्रीशांत आप बॉलीवुड में डेब्यू कर रहे हैं, तो इतना तो जानने का है कि योर फेवरेट फीमेल एक्टर? और अरे सारे यार, सारे इतनी अच्छी कर रहे हैं, मैं यही बोलूँगा, मैं जब क्रिकेट खेलता तभी भी मैं पूछता था कौन है सबसे बड़ा एक्ट्रेस, फेवरेट एक्ट्रेस, अगर किसी का नाम लिया तो फिर प्रॉब्लम हो जाता है। अभी मेरा शादी हुआ, मैं बहुत बड़ा खुश हूँ, मैं यही बोलूँगा कि फिलहाल सारे बहुत अच्छे एक्टर्स है और एक्टर्स भी है, मैं सिर्फ इधर सीखने के लिए हूँ और बाकी सब देखे जाएंगे, और मैं वैसे भी क्रिकेटर हूँ, अब एक मौका मिल रहा है बिग स्क्रीन में आने का, और दो तीन मूवी और अच्छा आ रहा है, तो देखेंगे यार, एक साल एक करके देखूंगा, और अगर सब केस वगैरह सब अच्छा हो गया तो फिर क्रिकेट फील्ड में भी जाऊंगा, इट विल बी अमेजिंग, आई मीन इट्स गोइंग टू बी अ ग्रेट हिस्ट्री इफ एवरीथिंग गोस वेल। ओके, वर्ल्ड कप भी चल रहा है तो इंडिया अच्छा परफॉर्म भी कर रही है, तो बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है, मेरे हिसाब से अगर तीन और मैच जीते तो हम वी विल बी द वर्ल्ड चैंपियंस अगेन, भगवान की कृपा से मैं दो वर्ल्ड कप में शामिल, तीन वर्ल्ड कप में था, एक हम हार गए थे, मगर वापस दो वर्ल्ड कप में जो हम खेले थे हम जीते थे, तो मेरे ही प्रार्थना होगा कि और कि हम एक और जीते, और यू नो धोनी इक्वल्स रिकी पोंडिंग्स रिकॉर्ड एज वेल, तो कोशिश यही होगा कि इंडिया हमेशा आगे रहे और हम जीते। आपको हम कमबैक करते हुए देखेंगे? मैं यही बोलूँगा यार, अगर आई एम मैं अभी 32 का हूँ और मेरा अभी 10 साल और क्रिकेट है, जैसे स्पोर्ट्स क्रिकेट और फिटनेस जा रहा है, सारे 40-42 में ही भी खेल रहे हैं, तो मोटिवेशन की साइड से देखिए तो वो बहुत अच्छा है,
और क्रिकेट भी बहुत इम्प्रूव हुआ है और फिटनेस की तरफ से भी। तो मेरा कोशिश यही होगा कि जैसे ही मुझे परमिशन मिला, अगर भगवान की कृपा से अगर सब अच्छा हो गया, ज़रूर यार, ज़रूर, क्यों नहीं यार, अगर मैं परफॉर्म करूँगा फर्स्ट क्लास से, ज़रूर वापस जाऊँगा। ओके, आज सॉन्ग रिकॉर्डिंग भी है तो हम अगर दो लाइन अगर गुनगुना सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, वो भाई भी है, सब लोग साथ में, साथ में, सब साथ में, साथ में गुनगुना हो जाए। नहीं, आपका सुनाई दे। तेरी जुल्फों की छाओं में शाम बेहोश हो, तेरे आंचल के साए में रात मदहोश हो, तेरी नजर जो उठे सुबह का दीदार हो, काश तुझको भी मेरे जैसा ही प्यार हो, काश तुझको भी मेरे जैसा ही प्यार हो। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू गाइस, विश यू ऑल द बेस्ट। ये सर, ये गाड़ी है, हां, ये बेंगलोर, पता है, आगे आने दो, आने दो। सर एक फोटो प्लीज, एक फोटो प्लीज, एक फोटो प्लीज, एक फोटो, एक फोटो सर, आप दो बार, दो बार, एक बार, पीछे पीछे पीछे, जय माता दी, वो बहुत फाटे भाई, अरे पीछे आ गया यार, दो बार हो गया सर। दादा एक्सक्यूज मी, माइक बहुत हाइट है ना? नहीं नहीं, बराबर है सर, जरा थोड़ा माइक नहीं मिल रहा है यार सर, थोड़ा पीछे हाँ है ले ना, या बढ़िया बढ़े यार सर, थोड़ा थोड़ा सा इस तरफ, हाँ थोड़ा क्रॉस सर, यहाँ पे एक बार और सर, सर या हिल मत ना, थोड़ा पीछे, या परफेक्ट, वेरी नाइस, यो यो ब्रो, या भाई आगे बस बस भैया, ये दादा पीछे लेना है, पीछे पीछे सामने पे सर, स्ट्रेट है यार, सर आप पीछे जा जाना प्लीज, आइए सर, सर सर प्लीज, अरे आप दो दो सर, सामने पे सर, सर सामने सर, स्ट्रेट, ये रेड बैग पीछे बंद कर देना, एक्सक्यूज मी, हाँ सर, हाँ अब देखिए,
टीम वो कौन थी? वो कौन सी का लीड हीरो? एक सेकंड, थोड़ा सा पूरा कवर हो गया सुजान सर। ये लुकी हालत है। थोड़े वक्त के लिए मैं सीधा शूट से आ रही हूँ, तो आई काइंड ऑफ रैप्ड अप माय शूट क्विकली बिकॉज आई हैव टू कम एंड विश हिम। और ये बर्थडे बहुत खास हो जाता है क्योंकि उन्होंने अभी हाल ही में फिल्म फेयर अवार्ड जीता है, और जब वो अवार्ड जीत रहे थे तो मैं अपने फ्रेंड्स के साथ बैठ के सबसे ज़्यादा हूटिंग कर रही थी वहाँ पे, एंड बिकॉज यू नो अंकित एंड मे लाइक यू नो वी हैव अ वेरी डिफरेंट रिलेशन जहाँ पे हम लोग ज़्यादा नहीं मिल पाते हैं, बट वी आर कॉन्स्टेंटली इन टच एंड एक मूड